मध्य प्रदेश के देवास जिले में पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी के निर्देश में प्रत्येक थाना परिसर में 10,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर थाना परिसर में बागली थाना प्रभारी अमित सोनी द्वारा बागली तहसील के पत्रकार अभिवक्ता के साथ गणमान्य नागरिकों और थाना प्रभारियों में वृक्षारोपण किया गया। बागली थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि इस अभियान के तहत बागली थाने पर हमें 500 वृक्षों का वृक्षारोपण करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए आज हरियाली अमावस्या के शुभ अवसर पर हमने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण किया। हरियाली अमावस्या के अवसर पर बागली थाना परिसर में किया पौधारोपण। बागली सर्विस पाटीदार की रिपोर्ट। किया गया तो किस उपलक्ष्य में किया गया? ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय देवास द्वारा अभियान चलाया गया था, जिसमें पूरे जिले में 10,000 पौधारोपण का उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके तहत 500 पौधे बागली थाना क्षेत्र में लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। दूसरा, आज हरियाली अमावस्या है तो उसके लिए विशेष निर्देश था कि आज कुछ पौधारोपण कर दिया जाए, तो उस संदर्भ में हमने यहाँ के पत्रकार बंधुओं, वकील साहब लोगों को बुला करके, गणमान्य लोगों को बुला करके थाना परिसर में पौधारोपण करवाया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।